नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एविसिम फिटनेस में। गाइज, आज मैं आपके लिए एक यूनिक वीडियो लाया हूं। गाइज, आज हम बीपीआई स्पोर्ट्स के 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। गाइज, बीपीआई स्पोर्ट्स आप सबको पता है यूएसए का ब्रांड है और एक काफ़ी प्रचलित ब्रांड है यूएसए में, एंड गाइज इंडिया में भी दिन ब दिन जो है ये प्रचलित होता जा रहा है। सो गाइज, बीपीआई स्पोर्ट्स के 3 प्रोडक्ट्स आपके सामने अवेलेबल हैं, द न्यू स्टैंडर्ड बेस्ट प्रोटीन, वे HD और आइसो HD। तीनों ही गाइज डिफरेंट हैं एक दूसरे से। हम बात करेंगे कैसे ये डिफरेंट हैं और क्या इनका यूज़ है। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में काफ़ी फ्लेवर्स आते हैं, जैसे कि वनीला कुकी, चॉकलेट कुकी, चॉकलेट ब्राउनी, वनीला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, बनाना क्रीम, वनीला कैरेमल, कैरेमल चॉकलेट, सॉल्टेड कैरेमल, काफ़ी इस तरह के जो है फ्लेवर्स अवेलेबल हैं इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में। तो गाइज, हम बात करते हैं तीनों ही प्रोडक्ट्स की प्रोफाइल के बारे में और हम बात करते हैं कि कैसे ये तीनों ही जो हैं वो यूज़ होंगे। ज़्यादा गाइज बीपीआई स्पोर्ट्स के बेस्ट प्रोटीन की बात की जाए तो इसके एक स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 5.2 ग्राम इसमें BCAA है, 0 ट्रांसफैट है और एडवांस 100% प्रोटीन फार्मूला है ये। वे HD में गाइज एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है, अल्ट्रा प्रीमियम वे प्रोटीन है ये। और आइसो HD जो है गाइज वो 100% आइसोलेट प्लस हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन है, 25 ग्राम प्रोटीन है इसके एक स्कूप में। तो चलिए गाइज, हम इन तीनों ही प्रोडक्ट्स के जो है न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, सप्लीमेंट फैक्ट्स देखते हैं। ज़्यादा गाइज बीपीआई स्पोर्ट्स के बेस्ट प्रोटीन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन फैक्ट में उसका एक स्कूप जो है 34 ग्राम का है, जिसमें 130 आपको कैलोरीज मिल रही हैं, कोलेस्ट्रॉल 40 mg है, टोटल फैट 1.5 ग्राम है, 3 ग्राम कार्ब्स हैं इसमें, सोडियम 160 mg है, 1 ग्राम डाइट्री फाइबर, 1 ग्राम शुगर और 24 ग्राम इसमें प्रोटीन है। सो गाइज, 34 ग्राम के स्कूप में आपको 24 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है, यानी कि जो प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी है वो है अराउंड 70%, जो कि आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज साइड है। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए तो मिल्क प्रोटीन आइसोलेट, मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोसेट का ये ब्लेंड है। सो अगेन, चारों ही जो है फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, आफ्टर वर्कआउट रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन्हें यूज़ करें, क्योंकि ये आसानी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं और काफ़ी जो है कैटाबॉलिक स्टेट आपकी आफ्टर एक्सरसाइज जो होती है 15 से 20 मिनट की, उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी मसल रिकवरी और ग्रोथ में, और उसको एनाबॉलिक स्टेट में आपकी बॉडी को लेके आते हैं। वे HD के अगर गाइज प्रोफाइल की बात की जाए तो उसका एक स्कूप 38 ग्राम का है और कैलरीज उसमें आपको एक सर्विंग में 160 मिलेंगी, जिसमें कैलरीज फ्रॉम फैट होंगी 3.5 ग्राम इसमें टोटल फैट है, कोलेस्ट्रॉल 110 mg है, 5 ग्राम कार्ब्स, 3 ग्राम शुगर और 25 ग्राम प्रोटीन है इसमें, कैल्शियम 250 mg और सोडियम 80 mg है। सो गाइज, 38 ग्राम के स्कूप में आपको 25 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है, यानी कि जो प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी है गाइज वो है 66%, जो कि आप कह सकते हैं बिलो एवरेज या नॉर्मल आप कह सकते हैं इसको, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इसमें ऑन हायर साइड है, 110 mg। बीपीआई स्पोर्ट्स के बेस्ट प्रोटीन में जो कोलेस्ट्रॉल था वो सिर्फ 40 mg था। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि वैसे ये गुड कोलेस्ट्रॉल है अगर आप इसे कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं लो कोलेस्ट्रॉल लेना तो आप आईएसओ HD या बेस्ट प्रोटीन के साथ जा सकते हैं। अदर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, अगेन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और मिल्क प्रोटीन आइसोलेट का ये ब्लेंड है। अगेन फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चारों ही हैं ये, और आफ्टर वर्कआउट रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन्हें यूज़ कीजिए ताकि ये आसानी से आपके जो है बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएं और जल्दी से जल्दी जो है उसी समय आपका कैटाबॉलिक स्टेट में काम करें। आइसो HD की अगर बात की जाए गाइस, एक स्कूप जो है 33 ग्राम का है, 120 कैलोरीज हैं इसमें, आप कह सकते हैं ऑन अ लोअर साइड हैं कैलोरीज, टोटल फैट 1 ग्राम है, कोलेस्ट्रॉल मात्र 30 mg, सोडियम 120 mg, पोटेशियम 105 mg, 3 ग्राम कार्ब्स, 1 ग्राम शुगर और 25 ग्राम प्रोटीन है इसमें। सो अगेन, 33 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है आपको, सो बायोअवेलेबिलिटी अराउंड आपकी 72-73% हो गई। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें मिल्क प्रोटीन आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का ब्लेंड है, जो कि अगेन फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, आफ्टर वर्कआउट रिकमेंड किए जाते हैं। लेकिन हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन आइसोलेट आपको सबको पता है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वे प्रोटीन की, और काफ़ी आप कह सकते हैं महंगी फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट होने वाली और सबसे बढ़िया रिकवरी देने वाली फॉर्म होती है। गाइज, तीनों ही प्रोडक्ट्स की आप प्रोफाइल देख चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप मसल मास गेन करना चाहते हैं और हाई कैलोरी प्रोटीन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप बीपीआई स्पोर्ट्स के वे HD के साथ जा सकते हैं।
बीपीआई स्पोर्ट्स का बेस्ट प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन है। अगर आप नॉर्मल रिकवरी चाहते हैं, नॉर्मल अपना लीन मसल गेन करना चाहते हैं, तो बेस्ट प्रोटीन के साथ जा सकते हैं। बीपीआई स्पोर्ट्स का आईएसओ एचडी आप यूज़ कीजिए। अगर आप वेट लॉस में चल रहे हैं और बिल्कुल भी जो है आप शुगर नहीं लेना चाहते अपनी बॉडी में, क्लीन प्रोटीन आप चाहते हैं, तो आईएसओ एचडी के साथ आप जा सकते हैं। तीनों ही प्रोडक्ट्स की जो गाइस मिक्सिबिलिटी की बात करूं तो काफ़ी आसानी से ये मिक्स हो जाते हैं, लेकिन इनका जो शेक है काफ़ी थिक बनता है, क्योंकि बीपीआई स्पोर्ट्स के सारे ही प्रोडक्ट्स का शेक काफ़ी थिक बनता है और काफ़ी मज़ा आता है। बहुत ही टेस्टी जो है ये प्रोटीन होते हैं बीपीआई स्पोर्ट्स का, बहुत मज़ा आता है इनको पीने में। एंड गाइस जहाँ तक प्राइसिंग की बात की जाए तो बीपीएस स्पोर्ट्स का बेस्ट प्रोटीन जो है 2 LBS का टब एविसिम फिटनेस पे अवेलेबल है 2900 रुपीज़ का। फ्लेवर्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे इसमें, और 5 LBS का टब अवेलेबल है 5100 रुपीज़ का बेस्ट प्रोटीन का एविसिम फिटनेस पे। बीपीएस स्पोर्ट्स का वे एचडी 4.2 LBS का टब अवेलेबल है एविसिम फिटनेस पे 4700 रुपीज़ का, और बीपीएस स्पोर्ट्स का आईएसओ एचडी स्मॉल टब जो है 1.7 LBS का अवेलेबल है 2400 रुपीज़ का एविसिम फिटनेस से। सो गाइज अपना आप मनपसंद चॉइस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, प्रोफाइल सारे ही प्रोडक्ट्स के देख चुके हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस, सप्लीमेंट रिव्यूज और अनबॉक्सिंग वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से आप सबके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।